जौनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। कड़ी मशक्कत के बाद बैंक लुटेरे गैंग को धर दबोचा। अंतर जनपदीय बैंक लुटेरे गैंग का शनिवार को जौनपुर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल पांच बड़े लुटेरों को एक रिवॉल्वर, तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार जिले के गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र में पकड़े गए लुटेरे पुलिस को देखकर भागने की फिराक में थे। इसके बाद पुलिस ने इन लुटेरों का पीछा किया तो लुटेरे पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। इसी दौरान लुटेरों की क्वालिस गाड़ी पलट गई, जिसके बाद सभी लुटेरों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्तार लुटेरों के पास से नुकीले उपकरण, बैंक में लूटपाट करने के अन्य घातक हथियार भी बरामद किए गए हैं। इन गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी सुभाष भी शामिल है, जिसके ऊपर पहले से ही 16 मुकदमे लूट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। एसपी राजकरण नैयर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी केकरात के निर्देशन में थाना अध्यक्ष गौराबाद शाहपुर राम प्रवेश कुशवाहा मय हमराह द्वारा विथार में चेकिंग कर रहे थे। संदिग्ध दिखाई पड़ने पर एक क्वालिस गाड़ी को रोका गया, लेकिन गाड़ी सवार पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने लगी, जिसका पीछा किया गया। जिनकी गाड़ी मेराद खान नहर पुलिया के पास जाकर पलट गई, जिसके बाद पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से एक अद्धा अवैध तमंचा 12 बोर, एक अद्धा जिंदा कारतूस, एक अद्धा खोखा कारतूस 12 बोर, एक अद्धा देसी रिवॉल्वर, 3 अद्धा चाकू, एक क्वालिस गाड़ी लाल रंग की, 2 लोहे का सब्बल, 1 हथौड़ी, 2 लोहे की आरी बरामद की गई। बरामद किए गए इन सभी हथियारों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा अपराधी के विरुद्ध एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें गौराबासा पुलिस को कराती में एक भारी सफलता प्राप्त हुई है। 5 लोगों का गैंग जो कि डकैती डालने आया था क्वालिस से, और मैं हथियार के, जिसमें कि एक तमंचा है, एक देसी रिवॉल्वर है, 3 चाकू है, और भी जो बैंक में डकैती डालने के समय में जो सामान उपकरण यूज होते हैं वो भी पकड़ा गया है। इसमें से एक बदमाश जिसका नाम सुभाष है, वो 16 मुकदमे उसके विरुद्ध में है और वो अंतर जनपदीय अपराधी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधि कार्रवाई की जा रही है। क्या पुलिस टीम में फायरिंग भी उन्होंने की है क्या? ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बैंक डकैती डालने आए थे, और जब पुलिस टीम ने इनको रोका तो इंक्वायरीज से फायरिंग करते हुए पुलिस से भागे। बाद में जाके इनकी इंक्वायरीज पकड़ गई, पलट गई, वहाँ पे इनको गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से एक देसी रिवॉल्वर, एक देसी तमंचा, कुछ कारतूस और चाकू और अन्य उपकरण जो बैंक में डकैती डालने के लिए यूज होती है उसको बरामद किया। इनका कोई सरगना भी है कोई? इनका जो सरगना है उसका नाम सुभाष राम है, जिसके खिलाफ 16 मुकदमे हैं। ये अंतर जनपदीय अपराधी है। कौन से बैंक को निशाना बनाने जा रही है? वहाँ पे दो बैंक थे, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा है और एक बैंक और है, जिसको कि निशाना बनाने का इनका योजना था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए जौनपुर से इंद्रजीत सिंह मौर्य की रिपोर्ट।